चलो अब मैं ये खत्म करती हूँ और तुम लोग भी गुड नाइट बोल के फटाफट सोने जाओ, ठीक है? गुड नाइट। तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। भाई तो हमेशा अपनी बहन का बेस्ट ब्रदर होता है। मैसेज है कल के अपॉइंटमेंट के लिए, कंसल्टेशन। उसकी क्या जरूरत है? मैं करता हूँ ना तुम्हारी थेरेपी, मतलब मेरे से बेटर तुम्हारी थेरेपी कौन कर सकता है? तुम मेरी डॉक्टर और मैं तुम्हारा, हमें किसी तीसरे की क्या जरूरत है? थोड़ी क्रेडिट तो डॉक्टर नव्या को मिलना चाहिए, उनके वजह से हम एक ही पेज पे, हम एक दूसरे से बात करने लगे हैं, शेयर करने लगे। अगर तुम सारा क्रेडिट डॉक्टर नव्या को दे दोगी तो इस बेचारे पति का क्या होगा? इसकी भी तो थोड़ी तारीफ करो, इसकी थोड़ी खिदमत करो। तो कर रहे हो ना, चलो चंपी करती हूँ। नहीं, चंपी नहीं। एक मिनट, क्या? अरे अभी माँ ने कहा ना कि वो उन्हीं की बात याद आ रही है मुझे। नहीं लगता ऐसे होगा। हाँ मुझे क्या पता, मुझे कोई एक्सपीरियंस थोड़ी ना है, लेकिन अगर हो गया सच में तो मैं गंजा नहीं होना चाहता। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को झूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा कभी लगे धागा रेशम सा। ओ, ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये हमारी हेवन, ये मेरे स्टार्स, किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी। एक सेकंड, मैं भी आया। ओके हाँ। हेलो, हाँ संजना, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, एक्चुअली या आई मीन एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्टली आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतना लेट फोन किया है। कल सुबह आर्किटेक्चरल टीम के साथ मेरी मीटिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरा प्रेजेंटेशन देख लेंगे, मैंने आपको मेल कर दिया। हाँ तो इट्स ओके, मैं कल सुबह देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो एक्चुअली आपकी कंपनी में मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन है, इसलिए आपका अप्रूवल और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, वरना मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। ओके। गाइस 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 गाइस, एक सेकंड, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, लेकिन आज हम सब यहीं सोएंगे। ओके और मेरे लिए जगह बचाना। ओके किसी के कमरे में जाते हैं, किसी का सामान चेक कर सकते हैं? ये सही नहीं है। यही सही है, और वो हमारा कमरा है। तो हमें पता तो होना चाहिए, जो हमारे घर में रह रहा है उसका बैकग्राउंड, अंडरग्राउंड, अपर ग्राउंड, डाउन ग्राउंड कैसा है, वो क्लीन और क्लियर है कि नहीं है। पता चला हमने किसी आतंकवादी को अपने घर में रख लिया या हमारे घर में कोई भगा के रहने लग गया। सिंपल साधारण लड़का है, जितने रेफरेंस दिए थे सबका फीडबैक लिया ना आपने? लिया कि नहीं? कितने सारे फोन किए थे फिर भी शक कर रहे हो? सारे पेपर पूरे हैं ना उसके? बेटा उसका साधारण और सिंपल होना ही उस पे शक पैदा करता है। अरे कोई आदमी इतना ओबीडियंट कैसे हो सकता है? सोचो, सोचने वाली बात है। ऐसा ओबीडियंट और शरीफ लड़का सिर्फ
फौज का सिपाही होता है। कुछ कहा आपने? नहीं 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 नहीं। गुड। और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए, दरवाजा लॉक रहेगा तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा जॉगिंग के लिए। और हाँ, कल से आप जल्दी उठेंगे, घर का दरवाजा भी खोलेंगे और अपनी गुड हेल्थ का भी, मेरे साथ जॉगिंग करके। बाबा को बाबा की टक्कर का मिला है। क्या बोल रहा है? शेर को सवा शेर मिला है। चलिए चलिए। हेलो रीना, कब से फोन लगा रही हूँ तुझे, कहाँ है तू? अरे यार रेडी हो रही, क्या हुआ बोलना। ऑल ओके? नो, हार्ट का प्रॉब्लम है। व्हाट? क्या मतलब? मतलब ये कि देव सर ने मुझे एक रेड रोज दिया जो सीधा जाके मेरे दिल पे लगा है। तब से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही है ना कि क्या बताऊं। I think he likes me. कहा था ना मैंने तुझसे। संजना, are you mad? तू कुछ भी बोल रही है। ये कुछ भी नहीं है, कितनी सारी रीजंस हैं जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि he likes me. एक ऐसा आदमी जो सरेंडिपिटी में बिलीव करने लग जाता है, जो थ्योरी मैंने उसे बताई थी। मुझे पुलिस स्टेशन में रेस्क्यू करने के लिए भी आता है, और तो और आधी रात को जागता है मेरे मेल का रिप्लाई करने के लिए। I mean, who does that? A boss? बिल्कुल, कोई सच्चा फ्रेंड ही कर सकता है। इनफैक्ट कोई सच्चा चाहने वाला। ठीक है, बट संजना, उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा तुझसे कभी भी? नहीं, लेकिन जिस तरह के वो इंसान है, आई डोंट थिंक वो बोलेंगे, बिकॉज वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं तुझे पता तो है, ओल्ड फैशन तरीके से लेटर्स लिखते हैं। वो क्या ही बोलेंगे मुझे कुछ। मेरे अंदर एक नई जान सी आ गई है, वरना तो तू जानती है रीना, पार्थ के साथ ब्रेकअप के बाद मुझे लगा था कि मुझे उससे बेटर कभी कोई मिलेगा ही नहीं। But I was wrong. मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर राइट मिल ही गए। ओके फाइन, बाय बाय। एंड यू For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.